केकेआर की टीम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। हाउ इज केकेआर की टीम मैनेजमेंट, क्योंकि आप केकेआर के साथ रहे हैं इतने साल, आपने खेला है केकेआर के लिए, आपने ट्रॉफी जीती है केकेआर के लिए, टीम मैनेजमेंट क्या है? सर प्लेयर्स तो चेंज होते रहते हैं पर टीम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। मैं एकदम कोर टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। आई थिंक अगर आप मेरे से बात करेंगे, जो मैं 4 साल केकेआर में था, बहुत ही 4 साल अच्छे रहे थे मैंने। 2 बार चैंपियन ही बने। 2014 के बाद वो ऐसा टाइम नहीं दिखा कि वापस लगेगी यार केकेआर चैंपियन बन रही है। बहुत अच्छी बात है कि गौतम वापस इस टीम में आए हैं, और वो जब हम 2 बार चैंपियन बने थे वही इस टीम के लीडर थे। सुनील नारायण आपको दिखते हैं, 2 बार चैंपियन बने थे। रसल भी उस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने भी IPL जीती हुई है, तो मुझे लगता है वो गौतम को देख के वो दोनों भी काफ़ी खुश होंगे। और जब फिर आप आते हैं CEO वेंकी मैसूर, वो बहुत सालों से हैं, जानते हैं कि किस तरीके से IPL में वो टीम बनानी है, किस तरीके से टीम उनको रन करना है। ओनर्स बहुत ही अच्छे हैं वो, मतलब अगर आप बात करते हैं क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होते बट जो भी सपोर्ट किसी भी प्लेयर को चाहिए होता है वो बहुत अच्छे से दे देते हैं। शाहरुख भाई हो गए, जय भाई हो गए, जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को प्यार से रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेयर को कोई दिक्कत होती है। और जिससे भी आप बात करेंगे जो KKR के लिए खेला है, वो सब यही बात करेंगे कि उन्होंने वो क्रिकेट का ना बेस्ट टाइम निकाला होगा उन्होंने KKR में। सो कोशिश ये रहती है कि माहौल इस तरीके से बना के रखा जाए कि बिल्कुल फैमिली की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। और मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे तो जो मेरे 4 साल वहाँ पे क्रिकेट में निकले, तो मेरे बेस्ट 4 साल थे क्रिकेट के।